मैट्रिसेस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम आर नोन एज मैट्रिसेस। तो क्या होता है मैट्रिस? अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर को अरेंज करना रोज और कॉलम में। तो इसमें रोज और कॉलम क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। रो क्या है हमारी, ये जो है हमारी रो है 314, अगर आप ऐसे देखोगे ये हमारी रो है। कॉलम क्या हो गया हमारा, 3 और 6 क्या हो गया हमारा, कॉलम हो गया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, R1 R2 है ना, ये सेकेंड रो हो गई हमारी, और कॉलम क्या है, C1 C2 C3, 3 कॉलम है यहाँ पर, 3 6 1 2 4 -3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। रोज क्या होते हैं, रोज लेफ्ट टू राइट जाने वाले रोज होते हैं। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम होते हैं अप टू डाउन। ठीक है, देखो अप टू डाउन कॉलम है, लेफ्ट टू राइट रोज है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन करने में काम आएंगी। 2 × 3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या, ये होता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है मैंने। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पर कितने रो हैं, 1 2 2 रो है हमारी। तो हमारा पहला नंबर जो होता है वो रोज रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर होता है कॉलम रिप्रेजेंट करता है। दूसरा नंबर कॉलम, पहला नंबर रो रिप्रेजेंट करता है। तो 2 रो है तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इंटू 3, 3 कॉलम है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ऐसे लिखा है, ये हमारा ऑर्डर होता है। ये सब जो नंबर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अगर आपसे पूछें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है हमारा 2 × 3। और इसमें और एक और चीज पूछ सकते हैं कि अब बताओ 1 कौन सी प्लेस में है, -3 कौन सी प्लेस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मुझे बताना 1 कौन सी प्लेस में है ना, तो मैं इसको लिखूंगा A12 = 1 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही इसको आप याद रख लेना, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, MN क्या है, इसमें तो ऑर्डर है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं पूछूं 3 कौन सी प्लेस में, तो A11 नहीं बोलेंगे, A11 बोलेंगे। ठीक है, A11 = 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A11 = 3। और मुझे बोलना हो कि A22 कौन सी प्लेस में, A22 की प्लेस में क्या है, A22 की प्लेस में 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अभी आप इतना ही समझो। और इसमें जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ वो आगे क्वेश्चन में भी यूज होंगी जो मैं अभी करूंगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया मैट्रिक्स के बारे में बेसिक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एक और चीज बतानी थी, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स भर्ती आती है, जैसे कि अभी तो मैंने बस यहाँ पर 2 रो लिए हैं, अगर किसी में 3 रो आ गई तो 3 रो में नीचे क्या होगा, नीचे 3-1 हो जाएगा। अगर किसी में 4 रो आ गई तो 4-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये नंबर जो होता है भरता जाता है आगे का। ठीक है, जब हम रोज बदलते हैं तो ये आगे वाला नंबर बढ़ता है, जब हम कॉलम बदलते हैं तब ये पीछे वाला नंबर, जैसे कि 2 कॉलम है तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A42 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 4 है, 4 × 2 होगा, 2 कॉलम है, 4 रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, RC आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 4 क्या है, देखो 4 × 2 लिखा है यहाँ पर, तो 4 आगे लिखा है, तो अगर रोज भरती जाएंगी तो ये 4 चेंज होगा, और कॉलम भरते जाएंगे तो ये 2, जैसे कॉलम पीछे लिखा है तो ये नंबर चेंज होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 3 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो आपको वो बनानी पड़ेगी ऐसे। तो 3 × 2 की क्या मैट्रिक्स बनेगी, ये हट जाएगा, ये 3 कॉलम होगा यहाँ पर, 1 2 3 मतलब सॉरी 3 रोज हो गए, 2 कॉलम हो गए यहाँ पर, ये 2। तो ऐसे ही मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और फिर आपको उसके नंबर्स फाइंड करने होते हैं, ये जितने भी वो चीज है नंबर जो क्वेश्चन में दिया होता है वो फाइंड करना होता है। ऐसे हम क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स पे। तो हमारा पहला टाइप है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n होता है। ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू n यानी कि ऑर्डर जो होता है वो उसका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m इज नॉट इक्वल टू n। जैसे कि अब देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूं A11, A21 और A31, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ A12, A22 और A32। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर देखो रोज कितने, 1 2 3 3 रो है तो 3 रोज में हो जाएंगी, 2 कॉलम है, 2 कॉलम हो गए। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, एम इज नॉट इक्वल टू एन है, 3 × 2 है। अगर मैं इसमें एक और लिख दूं तो ये इसी चीज को वैसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ऑर्डर इक्वल ना हो, यानी कि एम इज नॉट इक्वल टू एन हो। अगर ये इक्वल होगा तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर मैं एक और यहाँ पर अगर एक और मैं कॉलम बना दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर मैं एक और कॉलम बना दूंगा तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एम इज नॉट इक्वल टू एन होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं अब दूसरा टाइप। तो जैसे कि अभी हमने देखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एम इज नॉट इक्वल टू एन होता है, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एम इज एम इक्वल टू एन
होना चाहिए और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एम इज नॉट इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें रोज कितने हैं, आर वन आर टू आर थ्री, इसमें तीन रो हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हमारे यहाँ पर तीन है। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पर थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ अब मतलब ऑर्डर जो होगा इसका, तो यहाँ पर देखो थ्री इंटू थ्री है, तो यानी कि देखो एम इज इक्वल टू एन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब हम बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। तो इसमें पहले मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे आता है। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको मैट्रिक्स बनाओ या मैट्रिक्स निकालो, और उसका कुछ भी सॉल्व करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद आपको बताना होगा जो आपका आंसर आया है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, या फिर स्क्यू मैट्रिक्स आगे भी आएगा। तो ये सब चीजें जो होंगी आपको जो आंसर आएगा उसको देख के बताना पड़ता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है जैसे कि ए इक्वल टू, बस ए की रो लिख दूं मैं, थ्री वन सिक्स नाइन, ठीक है, बस ये क्या है रो। मैंने क्या बताया था, रो जो होती है लेफ्ट टू राइट जाती है, तो देखो ए की चीज मैंने लिख सकती है। और इसके आगे बाद आएगा कॉलम मैट्रिक्स, चौथा हमारा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स मैंने बताया था टॉप से बॉटम जाता है, ठीक है, टॉप से बॉटम। तो इसका क्या होगा मैट्रिक्स, इसका मैं इसी को लिख देता हूं नंबर को, थ्री वन सिक्स नाइन, ये होगा इसका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स रो में लिखा होगा एक बस एक ही रो में लिखा होगा, कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम में लिखा होगा, ठीक है, ये भी सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स देखो डायगोनल से पता चल रहा है कि बस नंबर जो होंगे डायगोनल में लिखे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल में लिखा होगा, नाम से पता चल रहा है, तो यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं वन टू थ्री डायगोनल में, ठीक है। और भी तो जगह बची है, और स्पेस में क्या लिखा जाएगा, और सब इसमें जीरो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही नंबर लिखा होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है ये मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, थ्री इंटू थ्री का ऑर्डर है ये। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और है। क्या है इसमें, बस थोड़ा सा चेंज है बस, कि जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में नंबर लिखे जाते हैं, इसमें भी स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल में ही नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके नंबर जो होते हैं सेम होने चाहिए इसके, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में नंबर जो होते हैं सेम होने चाहिए डायगोनल में, थ्री 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 फोर 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 फाइव फाइव फाइव, जो भी नंबर है वो बिल्कुल तीनों में सेम आना चाहिए। डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकता है, स्केलर में सिर्फ सेम नंबर ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेवन टाइप हमारा है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसको कैसे होता है, ये होता है हमारा आई स्क्वायर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का क्या होगा, इसमें बस डायगोनल में नंबर लिखा होता है, वो भी नंबर क्या लिखा होता है, वन लिखा होता है, इक्वल टू यहाँ पर जीरो जीरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई थ्री, तो क्या आई थ्री का मतलब क्या हो गया, आई टू का मतलब, यहाँ पर आई थ्री का क्या हो गया, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, थ्री बाय थ्री, लेकिन बस डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ वन ही लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो बस डायगोनल में वन ही लिखा जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में वन होगा, सब जगह जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ऐसे करके होती है यूनिट मैट्रिक्स। अब आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नाम से पता चल रहा है, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट जीरो हो। ये क्या है, टू बाय टू की मैट्रिक्स है, ठीक है, थ्री बाय थ्री में जितने भी एलिमेंट हो वो सब जीरो होंगे, तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। नाइन्थ टाइप हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर यानी कि होता है ऊपर, ट्रायंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि ऊपर ट्रायंगल बनाना है, ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर में नंबर हो, ठीक है। तो ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बना रहा हूँ थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स, ठीक है, थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले तो पूरे नंबर लिखना है, ऊपर बनाना है ट्रायंगल, तो वन टू थ्री पूरे नंबर, उसके बाद दो नंबर लिख दो, थ्री फोर फाइव, उसके बाद एक नंबर सिक्स, ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर सा बन गया, और जो भी स्पेस बची है उसमें जीरो। हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर में ही नंबर है, नीचे की तरफ कोई भी नंबर नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारा टेंथ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, ए इक्वल टू जो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ नंबर होने चाहिए और ऊपर की तरफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की नंबर कैसे, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, थ्री वन, थ्री वन फोर सिक्स फाइव, ठीक है, ये मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पर देख सकते हो अब नीचे की तरफ एक ट्रायंगलर बनना है, ठीक है, नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये
जो टाइप्स हैं इसके कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, क्वेश्चन आंसर में एडिशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम क्या समझेंगे, इसमें मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।